अगर हमारी बात मानने के बजाय आपको ऐसे ही मनमानी करनी है, निकल जाइए। हम अपने कारण इस घर को टूटने नहीं देंगे। जो आदमी मैदान में डटकर मुकाबला करता है, उसे ही सही इंसान कहते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तबाही की बात कर रहे थे। हम चाहे ना चाहे अंजाम बुरा ही होगा। अच्छा लगा कि अभी भी कोई है जो हमारी बिटिया के बारे में इतना कुछ सोचता है। एक बार देविका की शादी तय हो जाए तो पापा और मम्मी के सर से टेंशन हट जाएगा। उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में उन्हें बता सकते हैं। तलाक लेने में देर तो करना नहीं है। काकुल, तुम किसी पेपर पे साइन नहीं करो और आप इस तरह काकुल से किसी पेपर पे जबरदस्ती साइन नहीं ले सकते हैं। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को? कभी शादी के लिए धमकाते हैं, कभी तलाक के लिए। हर बात धमकी से नहीं मनवाई जा सकती है। आप गलत समझ रहे हैं मैं बहुत साहब। अरे क्या समझ रहे हैं गलत? आप हमसे पूछे, हमारे मर्जी को जानने की जरूरत नहीं समझी आपने। हमारे मशवरे का तो कोई मतलब ही नहीं है आपके नजर में। हमारी बेटी के जिंदगी का मसला है, हमें पूछने का हक है या नहीं? हमारा भी तो बात सुनिए ना बाबू साहब। आप किसके लिए कर रहे हैं ये सब? अपने लिए, इस फैमिली के लिए, काकुल के लिए? तलाक में काकुल की भलाई है, आपको ऐसा लगता है? और कोई रास्ता नहीं है बाबू साहब। आपको लगता है वह सम्मान वापस आएगा? रहने भी दीजिए ना। अरे भाई अभी तो पता चला है, कोशिश तो कर लेने दीजिए। बाबूजी प्लीज, आप दोनों ऐसे आपस में, आप करके देख लीजिए, आपका जो मर्जी आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हम बता रहे हैं, चिकने खड़े हैं, लातों के भूत हैं, कोशिश कर लीजिए। ऐसे ही धमकी दी होगी, सीधे तरीके से बात करने तो आती ही नहीं है। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? बाद में हम, बाद में कब बाद में? अगले जन्म में? ये झूठ बोलती रही इतने दिनों से हमसे और तुम्हें भी बेवकूफ बनाती रही। तसुए बाह भा के हमारा मुंह बंद कर दिया तुम दोनों ने। ना तो ससुर का प्रोग्राम करने दिया, ना बाबू साहब से कुछ करने दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने इसका। ये क्या तरीका है बात करने का? बाबू साहब ऐसा क्या कर दिया हम? भूल गए आप कि जब सम्मान बाबू बारात के साथ वापस लौट रहे थे तो आपने हमसे कहा था कि हमारी इज्जत के साथ खेल कर ऐसे कोई कैसे जा सकता है, और आज अचानक आप नरम हो गए काहे? अरे भाई उस समय वो बाराती के हैसियत से थे, आज इस घर के दामाद हैं। ऐसा आप सोचते हैं? हाँ सोचते हैं। नहीं सोचते हैं? अगर उनके लिए सारी जिंदगी बैठे रहना बाबू साहब, तो ये जिंदगी पर आंसू बहाती रहेगी, यही वो नहीं आएगा। और अगर वो आ भी गया तो इसको उसके साथ भेज दे, चाहे कि अपने हाथों से आप इसका गला घोटो। बस नहीं सुननी है आपकी बकवास। यही वाला चाहते हैं आप हमारी बेटी का? नहीं चाहिए आपका कोई सुझाव, आपकी कोई हमदर्दी? बात समझे ना बाबू। अरे क्या समझे आपकी बात? हम क्या कर लेंगे? आप हमें भी बंदूक से धमकाएंगे? अगर हमारी बात मानने के बजाय आपको ऐसे ही मनमानी करनी है, निकल जाइए, निकल जाइए इस घर से। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? चुप क्यों नहीं हो जाते? देखिए पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। ये तो माफ करने की भी एक लिमिट होती है। ये अपनी मनमानी करते रहे और हम माफ करते रहे, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कह दीजिए इनसे हमारे सामने हम ना आए। प्लीज बाबूजी प्लीज, आप दोनों चुप कीजिए।
हमारी वजह से आपस में मत लड़िए प्लीज। और काकुल तुम आइंदा हमारी मर्जी के बगैर तुम अपनी जिंदगी में कोई फैसले नहीं करोगी। तुमसे कोई भी कुछ भी कहे तुम सिर्फ वही करोगी जो हम कहेंगे, समझी? शॉप मेरे बारे में ही सोच रहे थे, मैं शॉपिंग जा रही थी, सोचा जाते हुए तुमसे मिलकर जाऊं। सम्मान क्या हुआ, आप बहुत अपसेट लग रहे हो। देविका दीदी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं घर पर। रियली आई एम सो हैप्पी फॉर हर। मामा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम भी घर आ जाओ। आज अपनी फैमिली से इतना दूर हो गया हूं मैं, जाकर भी घर वापस नहीं जा सकता। That's so sad. I wish I could go personally and wish देविका, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना, आंटी और देविका तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। हाँ वो तो ठीक है वंशिका, देविका दीदी और मामा तो बहुत खुश होंगे, लेकिन पापा का क्या, मुझे देखते ही मूड खराब हो जाएगा उनका। सम्मान उनके मूड के डर से तुम सारे रिश्ते तो नहीं तोड़ सकती ना। आई थिंक यू शुड गो देयर। टाइम कितना हुआ है? ओह गॉड कितनी देर हो गई, मामा कितना गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं दी, जैसे ही आपको देखेंगे शी विल बी हैप्पी। यस दी आपका फोन। दी आप कितनी स्वीट लग रही हो, द बेस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। अरे मेरा नेल पेंट क्यों निकाल रहा था? मैं लगाती। हाय हाय ब्यूटीफुल, मैंने एक गुड न्यूज़ सुनी है। हाँ कोई आ रहा है? कोई, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम कहीं बाहर हो? हाँ वो मृतिका और तुलिका के साथ ना पार्लर आई थी। वाओ, फिर तो आज उस बेचारे पर बिजली गिर ही जाएगी। तुम पर से नजर जो नहीं हटेगी। देविका हो सकता है तुम्हें देखकर वो बेहोश हो जाए। बस हाँ अभी बहुत हो गया। अरे आई एम रियली सीरियस, बेस्ट विशेस टू यू, आई विल बी वेटिंग फॉर गुड न्यूज। I'm sorry. What sorry? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? हेलो, गलती तुम्हारी है, ये फोन पे बात करते हुए तुम चल रही थी। हाँ तो, हाँ, एक तो मेरा नेल पेंट खराब कर दिया, ऊपर से बहस करने जा रहे हो। तो सॉरी कह दिया ना मैंने। तो क्या एहसान कर दिया आपने? वैसे किस बात की इतनी जल्दी है आपको? एक्सक्यूज मी, जल्दी तो तुम तीन देवियों को है, ये रोड है गार्ड नहीं है, यहाँ पर बाकी लोग भी चलते हैं जैसे कि मैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आंखें खोल कर चला कीजिए। दो घंटे हमने पार्लर में बर्बाद किए और दो मिनट में सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। और ये मैंने मिठाई अभी खरीदी है, ये खराब होगी गिर के, उसका क्या करूँ मैं? मिठाई और खरीद सकते हैं, मैं क्या करूंगी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो व्हाट डू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हां उसका अरे क्या मतलब है ये? लीव इट दी, ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है। ऐसे लोगों के मुंह लगना मतलब अपना मूड खराब करना। चलिए दी, समझते क्या अपने आप? अरे रुक जाओ लफंगा बवाली। ऐसे लोग मतलब ऐसे क्या देख रहे हो? चलो दी। कमाल है यार, अजीब सी लड़की है।
ऑफिस गया था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? ना जाता तो अच्छा था। मगर हुआ क्या? पापा ने इतना शानदार वेलकम किया मेरा कि पूछिए मत। इस तरह से तो कोई अपने प्यून से भी पेश नहीं आता होगा जिस तरह मेरे साथ आए। कहने लगे पैसे चाहिए होंगे तुम्हें, इसलिए आए हो ना। अरे बेटा तू जानता है ना अपने पापा को, गुस्से में कह दिया होगा। लेकिन ना मुझसे किस बात का गुस्सा? ऑफिस ना जाओ तब उनकी बातें सुननी पड़ती है, जाओ तो वही डांट। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ओफो, मेरे बच्चे भी ना जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे। अरे बेटा पापा की इतनी सी बात पे इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? मुझे देखो, मुझसे सीखो, मैं कितनी सब्र से काम लेती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जरा जरा सी बात पे आसमान पे पारा चढ़ जाता है। माँ आप नहीं जानती है क्या गुजरी है मुझ पर। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम बच्चों से बढ़कर हैं तुम्हारे पापा। भूल जा सब कुछ, तुझे तो पता है ना कि देविका के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो लोग। बाजार से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आ, ठीक है? रुक, ये ले। अरे रुक, आइसक्रीम खा लेना ताकि तेरा दिमाग ठंडा हो। चल मुस्कुरा। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। काकुल के जाने के बाद पहली बार खुशी का मौका आया है। इतनी टेंशन है, पिताजी इतने परेशान हैं। इस वक्त आप उन्हें अकेला छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकते हैं? हम नहीं सोचे, हमें जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उनकी बातें अगर आपके लिए मायने नहीं रखती तो मायने नहीं रखती तो कंडीशन ऑब्लिगेशन अब शर्तें रखी जाएंगी, हदें बताई जाएंगी हमें अपनी। इस वाक्य का अर्थ बताएं तो मित्रसा। दामाद जी अपने मुंह आंख कान बंद रखिए, अपनी औकात में रहिए। ये हम दिए ना टेंशन उन्हें, हम किए ना ये कांड, ये सब कुछ हमारा करा धरा है ना। हमें जाना तो त्रिसा। सुनिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। आप क्यों दिल का तार बना रहे? अरे प्लीज मेहरबानी करो मित्रसा, हमें जाने दो। आज तक बाबू साहब का हर हुक्म माने हैं और आज भी मानेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। नो एक्सप्लेनेशन। बच्चों की तरफ बनाने का कोशिश मत करो हमें, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। हमारी पत्नी हो इसलिए तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं। अगर हमारे साथ चलना चाहती हो तो सामान बांधो, और अगर बाबू साहब के साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। तीजू, तीजू ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज कहीं मत जाइए, बाबू जी ने तो बस। बीच में बोलने का जरूरत नहीं है काकुल, ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमारे पर्सनल मैटर में दखल देने का जरूरत नहीं है। बाबूजी, बाबूजी जीजू घर छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें मत जाने दीजिए प्लीज। प्लीज जीजू को रोक लीजिए, हम अपने कारण इस घर को टूटने नहीं देंगे। प्लीज बाबूजी जीजू को रोक लीजिए। मैं चल रही हूँ। जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी ना। तो फिर जो करना है जल्दी करो, एक मिनट नहीं रुक सकते हम यहाँ। चलो। बाहर जाओ, अकेले बात करनी है। तो आप जा रहे हैं? हमने तो सुना था कि बेटियां ही घर से विदा होती हैं। गलत थे, बेटे भी बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या कहते हैं आप हमको बाऊ साहब?
बाप की तरह मान देते, और बाप अपनी औलाद को सिर्फ प्यार ही नहीं करता है, गलत होने पे उसे डांटने का अधिकार भी रखता है। एक बात कहें बड़े दामाद जी, रिश्ता जोड़ना बहुत आसान है, एक मिनट नहीं लगता है ये कहने में कि आप हमारे लिए ये हैं, आप हमारे लिए वो हैं, लेकिन जब निभाने की बात आती है तो सब कलई खुल जाती है। हम तो बड़े निश्चिंत बैठे थे, भगवान का लाख लाख धन्यवाद देते थे कि हमको दामाद के रूप में दो दो बेटा भेज दिया हमारे पास। लेकिन मेहरबानी है आपकी कि आप हमको जता दिए कि आपको बेटा मान के हम बहुत बड़ा भूल किए। अब जो समझ में आए कीजिए, जिसे जिस रिश्ते का आदर करना है आदर कीजिए, जिस रिश्ते से इनकार करना है इनकार कीजिए, जो समझ में आए कीजिए, सब आपके हाथ में है। ऐसे चुप रहने की जरूरत नहीं है, गुस्से में सामान तो बांध लिए, अब हमारे सामने जुबान नहीं खुल रही है आपकी। आप अच्छी तरह जानते कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी फिक्र रहती है, और आपको यह भी मालूम है कि जितना भरोसा हम आप पे करते हैं किसी और पे नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हमको आपसे कहने का कुछ भी अधिकार नहीं है, तब तो हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। आपकी मर्जी के बगैर आपको इस घर में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि समस्या से मुंह मोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है। भगोड़ा कहते हैं ऐसे इंसान को, जो आदमी मैदान में डटकर मुकाबला करता है उसे ही सही इंसान कहते हैं। या तो आप सिद्ध कर दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, या आप मेरी बात मान लीजिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। फिर भी आपको लगता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते, तो आपकी मर्जी है, जो चाहे सो कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे तो अभी तक इन कैंडल्स में उलझी हुई, फूल भी नहीं लगाए, जहां पहले देखकर आप देवी का तैयार हुई कि नहीं। हाँ ये तो ना, अरे सही समय पर आ गए आप, चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वो लोग आते ही होंगे। आते ही होंगे क्या, पहुंच रहे हैं, रास्ते में फोन आया था उनका। देखो कम से कम फोन तो किया, कितने अच्छे लोग हैं ना। आवी बहुत अच्छे लोग हैं, और आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी देवी का उस घर में बहुत खुश है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ओ हेलो बेटा, हेलो। आंटी देवी का दी तैयार हो गई? अरे देख लेना अंदर जाके। जी से पूछ लेना। बेटा यहाँ दो, अंदर जाना। अरे चाची को बेटा, चाची मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे आप कुछ मत कीजिए, आप जाके फ्रेश होके आइए। ये देखो ना अभी आप। ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? कम ऑन दी, आज आपको इतना तैयार तो होना ही पड़ेगा। हेलो। मैं भी तो देखूं देविका दी कैसी लग रही है। बहुत मुश्किल से मानी है, मान ही नहीं रही थी। बस लड़कियां मिल गई, लड़का पेश शुरू, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग बाहर आ गए हैं। ठीक है ठीक है। आती जल्दी से वो लिपस्टिक लो। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, आपने इतनी अच्छी तरह से समझा दिया था, है ना। तकलीफ कैसे नहीं हुई, तीन बार एक ही सड़क पर घूमकर वापस चले गए थे। हाँ वरना तो और जल्दी आ जाते। नहीं नहीं एक्चुअली एड्रेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है ना कि सड़कें खुदी हुई हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस शहर में तो जी सड़कों का हाल 12 महीने एक जैसा ही है। सड़कों का हाल जानने नहीं आया? हाँ वो आपकी बिटिया नहीं दिखाई दे रही? जी अभी आ रही है। बहुत अच्छा नाम है, देवकी।
बड़ा धार्मिक सा। लड़की देखने आए हो, कम से कम नाम तो सही बोलो। देव की नहीं, देविका। ओ हाँ, देविका। लुच्चा, लफंगा, मवाली। आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही? जी वो अपने मायके गई है, एक्सपेक्ट कर रही है ना। जब तक हम हमारी ओर से प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये मैटर आसानी से सॉल्व नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि तलाक लेने में जरा सी भी देरी हो।